प्रभु का दास दाऊद उसके शत्रुओं से पूरा घिर चुका था और प्रभु ने जब उसे बचाया तब ये बातें ये लिखता है, कहता है मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला था, अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे, लेकिन मैंने एक चीज करी। दाऊद कहता है अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। हालेलुया। वो कहता है जब रस्सियों से शैतान मुझे बांध रहा था, जैसा तैसा संकट नहीं मृत्यु हो जाए, उसका शत्रु से मार डाल, इतना भारी संकट, ऐसे समय में दाऊद कहता है मैंने अपने संकट में यहोवा को पुकारा। हालेलुया। और उसका परिणाम क्या आया? प्रभु का वचन कहता है उसने मेरी बात को अपने मंदिर से सुन लिया। बोलो मेरा खुदा सुनने वाला खुदा है, मेरा खुदा सुनने वाला खुदा है, वो आपकी हर बात सुनता है। हालेलुया। वो आपके मन में आप जो चिंता करते वो भी सुनता है, और जब वे सुनते हैं हमारे प्रभु शांत नहीं बैठे रहते। आगे वचन कहता है वह अति क्रोधित हुआ। कौन? खुदावन। प्रभु क्रोधित हुए किसके ऊपर? जो शत्रु दाऊद को परेशान कर रहे थे उसके ऊपर। हालेलुया। प्रभु अपने बच्चों को जो भी छूता है उसकी ओर क्रोधित होने वाला खुदा है। आपको जो भी छूता है, चाहे दुष्ट लोग हो चाहे दुष्ट आत्माएं हो, उसकी ओर परमेश्वर की लाल आंख हमेशा रहेगी। वो उनको सहेगा नहीं, वो उनको सफल नहीं होने देगा, वो उनको काम करने नहीं देगा। और लिखा है मैंने जब पुकारा प्रभु ने मंदिर से मेरी बात सुन ली, वो मेरे शत्रु पर क्रोधित हुआ और कहता है स्वर्ग झुका कर नीचे उतर आया। हालेलुया। वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आपकी मदद के लिए दौड़ कर आने वाला खुदा है। वो आपके संग संग चलने वाला खुदा है। वो कहीं दूर पहाड़ी पर नहीं बैठा है, वो आपके साथ है। वो आप संकट में हो और कहीं ऐसी जगह पर बैठा रहे, ऐसा प्रभु नहीं है कि आपकी पुकार उसके तक ना पहुंच पाए। आप डूबते रहो लेकिन वो आपको बचा ना सके, वो आपके संकट के समय में हाजरा हजूर मददगार है। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है जैसे मैंने पुकारा प्रभु ने मेरी सुन ली, और तुरंत कहता है वो स्वर्ग झुका कर नीचे उतर आया, और कहता है उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। हालेलुया। वो आपके शत्रुओं को तितर बितर कर देगा। विश्वास करते तो हाथ उठा कर कहे प्रभु मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर देगा, प्रभु मेरी बीमारियों को, प्रभु मेरे खर्चे को, प्रभु मेरे घर में जो शांति है उसे, प्रभु मेरे विरुद्ध उठे हुए हर एक शत्रु को तितर बितर कर देगा। हालेलुया। और कहता है उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रुओं से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। भले आपका शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर हो, भले आपकी परिस्थिति, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या आपको लगता हो आपसे बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा खुदावंद आपके साथ है, उससे बड़ा खुदावंद आपके साथ है। हाथों को उठाए और कहे प्रभु आप वो परमेश्वर हो जो मेरे शत्रुओं के सामने मुझे लज्जित नहीं होने देते हैं। आप वो खुदावंत हो जब मैं पुकारता हूँ स्वर्ग छोड़ कर उतर आते हो। आप वो खुदावंत हो जब मैं पुकारता हूँ मेरे शत्रुओं के ऊपर क्रोधित होते हो, उनको सबक सिखाते हो, उनको तितर बितर कर देते हो। हालेलुया। वो खुदावंत वचन का पक्का है। जब उसने कह दिया तुम मुझे पुकारोगे मैं तेरी सुनूंगा, वो सुनेगा। उसे कह दिया मांगो तो मिलेगा, मतलब मिलेगा। वो आपकी मदद के लिए स्वर्ग छोड़कर उतर आएगा, लेकिन आपकी मदद करेगा। हालेलुया।